हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो भी हमें अब देखने को मिल रहा है, मार्केट ग्रीन है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो और जानते हैं क्या लेटेस्ट न्यूज आई है क्रिप्टो मार्केट में। एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज जो भी इस चैनल पर अपलोड हो रही है वो मिलती रहे। आर्कम इंटेलिजेंस टू लॉन्च क्रिप्टो करेंसी डेरिवेटिव एक्सचेंज ARKM टोकन सर्चेस। तो आर्कम इंटेलिजेंस अपना क्रिप्टो करेंसी डेरिवेटिव एक्सचेंज लॉन्च करने वाला है नेक्स्ट मंथ की शुरुआत में। अभी जो न्यू प्लेटफॉर्म है ये एम कर रहा है रिटेल ट्रेडर्स को। अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी डेरिवेटिव्स में, बहुत ज़्यादा मार्केट हमें सर्च देखने को मिली है, इसकी जो मार्केट है वो बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह से इन्होंने शायद यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है। अब ये जो एक्सचेंज है ये कम्पीट करेगा बाइनेंस के साथ। अब ये जो एक्सचेंज है ये डोमिनिकन रिपब्लिक की लाइसेंस के अंडर अंडर काम करेगा, जहां पे आर्कम रेगुलेटरी अप्रूवल के बहुत ही नजदीक है, फाइनल स्टेज पे है। उसके बाद उनको अप्रूवल मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। डेरिवेटिव क्रिप्टो की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। अगर बात करें इन सितंबर अलोन क्रिप्टो डेरिवेटिव्स जो है उनका ट्रेड वॉल्यूम जो था वो $3 ट्रिलियन तक बढ़ गया था, जो कि पहले $1.5 ट्रिलियन था पिछले साल। अब ये जो इंक्रीज इंटरेस्ट है इज ड्यू टू द एक्सपेंडिंग वैरायटी ऑफ क्रिप्टो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स नाउ अवेलेबल ऑन मेजर एक्सचेंजेस लाइक शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। इसकी वजह से आर्कम का जो ये टोकन है वो भी 16% से बढ़ा है इस न्यूज के बाद। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, एमटी गॉक्स एक्सटेंड्स रीपेमेंट डेडलाइन टू अक्टूबर 2025। एमटी गॉक्स जो कि डिफंक्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था, 2014 में ये हैक हो गया था और जिसकी वजह से ये कोलैप्स हो गया था। 9,50,000 बिटकॉइन का लॉस लोगों का इस हैक की वजह से हुआ था, जिसकी अब करीब करीब वैल्यू $58 बिलियन है। तो ये रिपेमेंट वगैरह कर रहे थे, अब रिपेमेंट का डेडलाइन इन्होंने ने अक्टूबर 2025 तक कर दिया है। अभी तक पूरी रिपेमेंट नहीं हो पाई है, तो उसकी कुछ वजह है। इन्होंने जुलाई से स्टार्ट कर दी थी रिपेमेंट करना। कोर्ट का डिसीजन था 10 अक्टूबर का जो आया था, कि जो रिपेमेंट है वो अक्टूबर 31, 2025 तक एक्सटेंड हो गई है। अब इसका क्या रीजन है, इन्होंने 21,000 ट्रेडर्स को बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश की रिपेमेंट कर दी है थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक क्रैकन, बिटस्टैम्प, बिटगो, लेकिन कुछ क्रेडर्स बाकी है जो कि जिनका प्रोसीजर पूरा नहीं हो पाया है, या तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं हो पा रही है तो इसलिए उनको रिपेमेंट नहीं पहुंची, तो क्रेडर्स की वजह से इनको रिपेमेंट एक्सटेंड करनी पड़ी है। साथ ही साथ सेलिंग प्रेशर कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे ना आ जाए इतने बड़े सेलिंग की वजह से, तो यहाँ पे ज्यादा लमसम में ये नहीं दे रहे हैं, रिपे कर रहे हैं। ब्लॉकचेन डेटा जो है वो रिवील कर रहा है कि एम्प्टी बॉक्स का जो वॉलेट है उसमें 44,900 BTC पड़े हैं, करीब करीब $2.75 बिलियन के। अभी जो डिले हुआ है इसने टेम्पररी रिलीफ दिया है मार्केट को 2025 तक। एवलांच टू बाय बैक 2 मिलियन एवेक्स टोकन्स। तो 2022 के अप्रैल में एवलांच फाउंडेशन ने 1.97 मिलियन एवेक्स टोकन जो है वो लूना फाउंडेशन गार्ड को सेल किए थे $100 मिलियन के करीब। अब यहाँ पे अगले महीने बाद, उनको नहीं पता था कि टेरा लूना जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, तो उस टाइम तो उनको ये मूव सही लगा था, स्मार्ट मूव लगा था। लेकिन ये चीज होने के बाद एवलांच फाउंडेशन जो है अब वो रीपरचेज कर रहे हैं अपनी सेम टोकन्स $45.5 मिलियन, मतलब 100 मिलियन के उस टाइम का जो भी था प्राइस था, अब $45.5 मिलियन पे वो खरीद रहे हैं वापस, जबकि उसका करंट प्राइस $57.4 मिलियन है। लेकिन जो उनका अग्रीमेंट है बायबैक का अग्रीमेंट, उसके हिसाब से दोनों पार्टीज जिसपे अग्री करती है $45.5 मिलियन पे, तो इस वजह से उनको इस प्राइस पे खरीदना पड़ रहा है। अब इनको ये डर था कि उनकी लीगल प्रोसीडिंग्स में, बैंकरप्सी प्रोसीडिंग में कहीं उसे सेल ऑफ ना करना पड़े, तो इस वजह से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट देख के उन्होंने बाई बैक किया है, ताकि मार्केट में कोई प्रॉब्लम ना हो, मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े एवेक्स का, तो इस वजह से उन्होंने बाई बैक किया है अपने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए। विटेलिक बिटरिन सेल्स अनदर $1.6 मिलियन इन मीम कॉइन्स प्रॉमिस फॉर चैरिटी। तो विटेलिक जो है वो फिलेंथ्रोपिस्ट भी है, वो पहले से ही चैरिटी करते आ रहे हैं, डोनेट करते आ रहे हैं ईद को, और यहाँ पे अब ये मीम कॉइन्स को भी डोनेट करते हैं। जैसे 10 बिलियन टोकन्स मीम कॉइन के इन्होंने डोनेट किए थे पहले एयरबोन डिसीज टेक्नोलॉजी के लिए, फिर 15 अगस्त को भी इन्होंने एनिमल वेलफेयर के लिए डोनेट
डोनेट किए थे जो एनिमल मीम कॉइन्स थे, और अब यहाँ पे फॉर ओवर 9 डेज इन्होंने 2.78 मिलियन डॉलर के जो टोकन हैं वो मीम कॉइन टोकन जो है वो ईथ में कन्वर्ट किए हैं ताकि डोनेट कर सके। तो अभी रिसेंटली उन्होंने 1.6 मिलियन वर्थ ऑफ मीम कॉइन्स ईथर में किए हैं ताकि वो डोनेट कर सके। अब ये जो सेल है ये 9,82,800 वर्थ ऑफ मूडेंग, 2,31,000 ऑफ मॉन्स्टेरा और 183,000 डॉलर ऑफ इथीरियम इज गुड ईबुल। तो ये तीनों जो है मीम कॉइन टोकन ये इन्होंने सेल किए हैं। बिटरेन ऑल्सो ऑफलोडेड होल्डिंग्स ऑफ पोप कैट फोग एंड बिटेलिक ब्यूटल, तो ये भी था। अब यहाँ पे इन्होंने 2.78 मिलियन डॉलर वर्थ ऑफ मीम कॉइन्स जो है वो ईथर में किए थे कन्वर्ट, और डोनेट किए हैं 884,000 वर्थ ऑफ टू चैरिटीज ओवर द लास्ट 9 डेज। साथ ही साथ जो मीम कॉइन इश्यूअर्स है वो पहले से ही ब्यूटेरियन को अपने मीम कॉइन टोकन जो है वो सेल करते आ रहे हैं, तो वही टोकन्स अब विटेलिक जो है उसका एक अच्छा यहाँ पे कॉज देखते हैं, उन्होंने डोनेट करने का यहाँ कॉज देखा। विटेलिक ने सजेस्ट किया ईश्वर्स को कि मैं डोनेट कर देता हूँ आपकी तरफ के, लेकिन अब जो है ईश्वर्स वो खुद डोनेट करने को यहाँ पे डायरेक्टली डोनेशन करने को बोल रहे हैं। तो विटेलिक का ये जो मूव है ये देख के अब मीम कॉइन ईश्वर्स खुद डोनेट कर रहे हैं। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, क्रिप्टो शॉर्ट लिक्विडेशन रीच 100 मिलियन डॉलर एज बिटकॉइन रिक्लेम 64,000 डॉलर। बिटकॉइन का जो ये है हाईएस्ट प्राइस रहा है अक्टूबर में, 64,000 से ऊपर ये पहुंचा है। साथ ही साथ 52 मिलियन डॉलर के लिक्विडेशन यहाँ पे देखने को मिली है। क्रिप्टो डेरिवेटिव ट्रेडर्स जो है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जिन्होंने बेट किया था कि बिटकॉइन का प्राइस गिरेगा, यहाँ पे अब ऊपर हो चुका है, तो इसकी वजह से इनको लिक्विडेट करना पड़ा। मोर देन 100 मिलियन डॉलर इन द पास्ट ईयर बिटकॉइन प्राइस सर्ज्ड, 64,000 डॉलर से ऊपर गया है, तो 2.1% का अप देखने को मिला है। तो 64,173 डॉलर जो है इसने अपना हाईएस्ट रीच किया है सिंस सितंबर 30। साथ ही साथ 54,649 ट्रेडर्स जो है उन्होंने लिक्विडेट किया था फॉर ओवर 166 मिलियन डॉलर, विद बिटकॉइन शॉर्ट्स अकाउंटिंग फॉर 52.33 मिलियन डॉलर ऑफ द लास्ट डे। साथ ही साथ ईथर के बारे में बात करें तो उनका शॉर्ट्स जो था 27.26 मिलियन डॉलर हुआ था। अब बिटकॉइन का जो ये बड़ा मूव है ये फिर से बिटकॉइन की मार्केट डोमिनेंस 48% पे ले आया है, विच इज क्लोज टू द हाईएस्ट जब से अप्रैल 2021 से, अब यहाँ पे ये 58% हुआ है। तो एनालिस्ट जो है वो उन्होंने एक नाम दिया हुआ है अक्टूबर। अक्टूबर जो है वो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए 11 साल से अक्टूबर अच्छा रहा है बिटकॉइन के लिए, बुलिश रहा है, इस वजह से इसका नाम अक्टूबर है। ये फिर से बोल रहे हैं कि अक्टूबर आ चुका है और बिटकॉइन का प्राइस अब ऊपर जाएगा। अगर ईथर की बात करें तो उसने भी रिक्लेम किया है 2,500 डॉलर फिर से, फॉलोइंग 2.9% गेन इन लास्ट 24 आवर्स। मोनोक्रोम टू लॉन्च ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट फोर इथीरियम ETF। मोनोक्रोम जो कि एसेट मैनेजमेंट है लीडिंग क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म, उसने अपना IETH टिकर साइन से लॉन्च किया है इथीरियम ETF ऑन अक्टूबर 14। तो पहले बिटकॉइन ETF यहाँ पे सक्सेसफुली लॉन्च होने के बाद अब ये इथीरियम ETF भी लॉन्च कर रही है। IETH जो है ये फीचर करता है बेयर ट्रस्ट स्ट्रक्चर जहाँ पे आप टैक्स को बचा सकते हैं फॉर इथीरियम होल्डर्स जब वो ट्रांसफर करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं आगे। तो इसकी जो ट्रेडिंग है वो CBOE एक्सचेंज पे होगी। अब मोनोक्रोम का जो ETF है उन्होंने डिस्टिंग्विश किया है कि वो किस तरीके से बाय कर सकते हैं, कैश से भी कर सकते हैं और इन काइंड सब्सक्रिप्शन एंड रिडेम्पशन प्रोसेस से भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है कि इथीरियम को ट्रांसफर करे इन एंड आउट विदाउट ट्रिगरिंग कैपिटल गेन टैक्स। ये जो फीचर है इसका नाम है बेयर ट्रस्ट स्ट्रक्चर। ये जो फीचर है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है जिन्होंने ETF में होल्ड किया है। तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट ऑनरशिप होगी जिस जिसने भी इथीरियम ETF बाय किया है। इवन दो इथीरियम जो है वो विद इन द ETF होगा, लेकिन आप जो होंगे मतलब इथीरियम की जो ऑनरशिप होगी वो आपके होगी क्योंकि आप इन्वेस्टर हैं। जो ट्रस्टी है वो आपके लिए होल्ड जरूर करेगा। पहले जो ट्रस्टी होता था उसके ऊपर सब कुछ होता था, वो तो वही ऑनर होता था, लेकिन यहाँ पे अब ऑनर आप हैं और ट्रस्टी जो है वो आपके लिए सिर्फ होल्ड करके रखेगा। कोई कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा इन मूविंग और मूविंग आउट ऑफ द ईटीएफ, क्योंकि जो लीगल और बेनिफिशियल ऑनरशिप है इथीरियम की वो चेंज नहीं होने वाली मूव इन और मूव आउट करने से। इसका मतलब है आप आराम से ट्रांसफर कर सकते हो इथीरियम विदाउट हैविंग टू पे टैक्स टैक्सेस ऑन एनी गेन्स। अभी जो स्ट्रक्चर है इसने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया है।
मेकिंग इट इजी फॉर इन्वेस्टर्स टू अंडरस्टैंड और अपने एसेट्स को किस तरीके से मैनेज करें। अनलाइक मेनी अदर ETFs, मोनोक्रॉम आई इज अवेलेबल टू रिटेल और एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है रेट भी, तो आई ईच जो है वो मैनेजमेंट फी सपोर्ट करता था पहले 0.5%, जो कि अब 0.21% हो चुकी है फॉर एक्रेडिटेड एडवाइजर्स। जो फी स्ट्रक्चर है ये US कॉम्पिटिटर्स के साथ अलाइन करता है, जिनके टिपिकली रेंज है 0.20% से 0.25%। तो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग टिल लास्ट विद मी इन दिस वीडियो। नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।